हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.5 का। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 का 1 से लेकर 8 प्रश्न तक अध्ययन कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप तुरंत देखिएगा प्यारे बच्चों। फिर आज की वीडियो में जितनी बची हुई सवाल है, आज सारी सवाल इसी वीडियो में यानी इसी लेक्चर में समाप्त हो जाने वाली है प्यारे बच्चों। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो आपका प्रश्न क्रमांक है, प्रश्न क्रमांक रहने वाला 9वां नंबर आपका प्रश्न है। सबसे पहले हम 9वें नंबर क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे क्योंकि 8 नंबर तक जो सवाल थे वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हल कर लिए हैं। पहले बच्चों 9वां नंबर जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। इस समय स्क्रीन के पेज पे 9 नंबर प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप उस प्रश्न को वहां से देख लीजिए या तो आप बुक लिए होंगे वहां से पढ़िएगा। हम लोग 9 नंबर प्रश्न थोड़ी सी देख लेते हैं कि वहां क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मतलब सीढ़ी की लंबाई आपको दी गई है प्यारे बच्चों। ऐसे एग्जाम में लिखना भी रहता है सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर। कितना दिया है सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर दिया गया है। आगे कह रहा है दीवार पर सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। मतलब खिड़की की ऊंचाई, भूमि से खिड़की की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। खिड़की की ऊंचाई आठ मीटर है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी यानी हम कह सकते हैं क्या दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना, ये आपको दिया है ठीक, यही ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले सवाल को समझते हैं। क्या करा कि कोई सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लंबी है और कोई एक खिड़की है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर एक खिड़की रही होगी, किसी दीवार पे बनी यहां पर एक खिड़की रही होगी और उस खिड़की की भूमि से ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। यानी वो भूमि से जो है खिड़की की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों 8 मीटर है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही। अब आगे क्या करा कि कोई एक सीढ़ी है जो कि कितनी मीटर लंबी है 10 मीटर लंबी है। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और जो कि क्या ऐसे भूमि के सहारे खिड़की पे टिकाई गई है। तो खिड़की पे टिकाई गई प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मान सकते हैं कि ये कोई सीढ़ी हो गई जो कि क्या हो गई खिड़की पे टिकाई गई है। चलिए ये कोई सीढ़ी हो गई जो कि दीवार पे इस समय टिकाई गई है। चलिए सीढ़ी को समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे खाड़े बना दिए जिससे पता चलता रहे ये सीढ़ी है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि ये 10 मीटर है, समझिए जरा सा, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि दीवार से जो कि दीवार के सहारे टिकाई गई है और जो कि खिड़की तक पहुंच गई। खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई 10। आपसे ये पूछ रहा ये दूरी भूमि से सीढ़ी के निचले सिरे की या दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी अगर हम x मान लें और इसे a b और c का नाम दे दें तो और बढ़िया आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज का एक समकोण निर्माण हो रहा था, यहाँ एक 90 अंश का एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर सकते हैं। क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
चलिए आराम से आसानी तरीके से आप निकाल लोगे प्यारे बच्चे से। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कौन है यहां, बीसी, और आधार कौन है, ए बी का वर्ग। चलिए वैल्यू रखते हैं सबकी, एसी की वैल्यू 10 है और बीसी की वैल्यू 8 है और प्लस एबी की वैल्यू आपकी एक्स है। चलिए ये 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 8 का वर्ग करेंगे 64, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 64 इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर एक्स स्क्वायर। 100 में से 64 घटा दीजिएगा आप लोग तो लगभग कितने आएंगे, 100 में से 64 आप घटा दीजिए तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यार 9, 9 में से 6 घटा देंगे 3, तो 36 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 36 बराबर एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, 36 बराबर एक्स, और ये बाहर आएगा तो 6 आ जाएगा। फिलहाल प्लस माइनस आता है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आएगा, परंतु दूरी है तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, अर्थात हम लिख सकते हैं कि भूमि से या दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। इस प्रकार आपका 9वां नंबर जो है कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 10 की 10वां सवाल आपसे कह रहा है, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा, मतलब प्यारे बच्चों अगर हम माने कि ये 18 मीटर जो है ऊर्ध्वाधर कोई खंभा है, जो विद्युत वाले खंभे होते हैं वो ये 18 मीटर है, ठीक। आगे क्या करना, खंभे के ऊपरी सिरे पर एक तार का एक सिरा जुड़ा है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। एक मान लेते हैं जो खूंटा होगा ये यहां जमीन पर होगा और एक तार का सिरा यहां जुड़ा है। अब ये दोनों तार के सिरे एक दूसरे से कनेक्ट है, बात समझिएगा जरा सा। आगे कह रहा, और जिसकी तार की जो लंबाई है वो कितनी है, 24 मीटर। तार की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। एक बार फिर से आप समझिएगा, ये 24 मीटर तार है भैया, एक खंभा है जो कि 18 मीटर ऊंचा है। आगे कह रहा, तार खंभे के ऊपरी सिरे पर एक तार जुड़ा हुआ है और तथा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, और तार की टोटल लंबाई 24 दिया है। अगर हम इनको मैच करा देते भाई यहां से, आगे कह रहा, खंभे के आधार से खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा गया है, खंभे के आधार से खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा गया है। मान लेते हैं वो एक्स है, ये ए नाम देते हैं या बी नाम दे देते हैं या सी नाम दे देते हैं। फिर से वही फंडा लगाएंगे इससे पुराने वाले सवाल के जैसा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या लगा देंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में ठीक पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, एसी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब है एबी और आधार कौन है आपका, आधार सॉरी लंब बीसी है, क्या है, लंब यहां बीसी है, तो लंब बीसी का वर्ग और आधार कौन है, एबी का वर्ग। सबकी वैल्यू रखते हैं तो बीसी की वैल्यू 18 है, कितनी है, 18 का वर्ग, और एबी की वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एसी की वैल्यू पता है 24। 24 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो 576 आएगा, कितना आएगा, 576। और 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग करेंगे तो शायद 324 आते हैं क्या, कंप्लीटली
आप एक बार वर्क करके देख ही लीजिएगा कि 18 का वर्ग क्या आता है, कि 324 आते हैं, बिल्कुल कंफर्म 324 आते हैं। तो 18 का वर्ग करेंगे तो 324 आएगा, और प्लस ये एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 324 इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 576। भैया जब ये बराबर किधर आएंगे तो उधर प्लस भी इधर हो जाएंगे, माइनस 324 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इनमें से घटा देते हैं तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, ठीक, फिर 5 में से 2 घटा 5 में से 3 घटाएंगे 2, ठीक। ये आपके आ गए लगभग 252, कितने आ गए प्यारे बच्चों, 252, कितने आ गए 252 एक्स स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाता है, क्या लग जाता है अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर कर्ली में 252। अब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा, अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद जब इसे आप हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6√7, कितना आएगा 6√7। अब रही बात, कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर जी ये तो लिख देते हैं डायरेक्टली, हम लोग नहीं निकाल पाते या समस्याएं आती हैं, तो आइए हम उनको बता देते हैं कि 6√7 कैसे आता है। यहाँ पर ये 252 हो गए, आप इनको वर्गमूल निकाला गया है, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, फिर 2 छंगे 12, 2 तेई 6 हो गए। अब क्या होता है, अब यहां 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 9 63, ठीक। उसके बाद 3 त्रिक, अब थोड़ा सा आप ये 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, फिर 3 सते 21, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 7 इक्के 7, तो जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको बाहर कर लेते हैं, तो 2 3 6, और ये इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम अंडर रूट में कर देंगे। इस प्रकार प्रोसेस करते हैं प्यारे बच्चों कि किसी को आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये रहा आपका, अर्थात जो पूछ रहा था कि खूंटा गड़ा है, तो भैया खंभे के आधार से खूंटा जो है, खंभे के आधार से खूंटा 6√7 मीटर दूरी पर गड़ा है, ऐसे लिख दीजिएगा एग्जाम के आंसर लिखने के प्रश्न हल करने के बाद। आप ये जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों कि जो जो पूछ रहा आपसे, क्या पूछा था, खूंटा खंभे से कितनी दूरी पर गड़ा है, तो भैया बता दीजिएगा खूंटा खंभे से 6√7 मीटर की दूरी पर गड़ा है। चलिए अब हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इस समय प्रश्न नंबर 11 भी आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है कि एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मतलब मान लेते हैं ये एक हवाई अड्डा हो गया, और यहां से एक जहाज, मानते हैं ये उत्तर दिशा था, और उत्तर दिशा की तरफ वो 1000 किलोमीटर प्रति हावर से वो जो जहाज था वो उड़ रहा था। ये जो जहाज है, मान लीजिए ये आपका जहाज था, ठीक, ये जहाज इधर की तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, तथा इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। कितना, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मान लेते हैं पश्चिम की दिशा इधर होगी प्यारे बच्चों, तो पश्चिम की दिशा जब इधर होगी तो वो 1200 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से ये कोई एक दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर उड़ता है। आगे कह रहा है एक सही एक बटे दो, 2 1 2, 2 1 3, 3/2 बराबर 3/2 घंटे में, 3/2 घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरियां बतानी है। मतलब इतने समय में दोनों हवाई जहाज कहां पर होंगे वहां से, और दोनों के बीच की दूरी बतानी है प्यारे बच्चों। तो आराम से आप निकाल सकते हैं 3/2 घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि भैया ये चाल दिया गया है,
कोई हवाई जहाज एक हवाई अड्डे ए से बी की ओर गया और बी से कोई हवाई जहाज सी की ओर गया है। इन दोनों हवाई जहाजों की ये चालें दी गई हैं आपको, न कि दूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उत्तर की दिशा में जाने वाले, उत्तर की दिशा में उड़ने वाले हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी। सबसे पहले तो लिखेंगे उत्तर की दिशा में उड़ने वाले हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। भैया उत्तर दिशा में जो जा रहा है उसका चाल 1000 है और समय कितना है 3/2, तो इनसे कैंसिल करेंगे तो 500, 500 तिया 1500। मतलब उत्तर दिशा में जाने वाला जो हवाई जहाज है वो 1500 किलोमीटर दूरी तय किया है। 1500 किलोमीटर दूरी क्या किया है प्यारे बच्चों, तय किया है। हम रेड मार्कर से आपको ये दूरी दिखा दे रहे हैं कि भैया ये 1500 किलोमीटर जो है ये इसकी दूरी है। चलिए यहां से लेके यहां तक क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पश्चिम की तरफ उड़े हैं उनसे दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पश्चिम की दिशा में, पश्चिम की दिशा में उड़ने वाले क्या भैया, पश्चिम की दिशा में उड़ने वाले हवाई जहाज, उड़ने वाले हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर वही प्यारे बच्चों चाल गुणे समय। चाल इस बार जो उत्तर पश्चिम की दिशा में जा रहा है उसका चाल 1200 है और समय कितना है वही 3/2 घंटे, तो 2 × 12 हो जाएगा, तो ये 600 तीन कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर। यानी ये जो यहां से पश्चिम की तरफ गया है उसकी दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 1800 किलोमीटर है। कितना है 1800 किलोमीटर। अब कह रहा है कि आप दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी निकालिए, तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की जो दूरी है उसे हम आसानी से निकाल लेंगे। मान लेते हैं दूरी क्या है, एक्स है। तो चलिए अब हम इधर की सवाल को मूव करते हैं, इन सवालों को आप इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब हम इनको मूव करने वाले हैं। चलिए तो दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी x है, माना माना दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, हवाई जहाजों के बीच की दूरी एक्स कितना है एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो ये कर्ण है प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है भैया ए सी है, का वर्ग बराबर लंब, लंब कौन है बी सी है, आधार कौन है ए बी है, इनका वर्ग का योग। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो चलिए बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने लगा लिया है, अब केवल वैल्यू रखना है, ए सी की वैल्यू निकालना है और ए बी की वैल्यू मुझे ये नहीं है, ए बी की वैल्यू ये है 1500 किलोमीटर, तो ए बी की वैल्यू 1500 का वर्ग कर देंगे प्यारे बच्चों। और जो वो बी सी है ना, वो बी सी 1800 है, देख लीजिएगा वो रेड वाले मार्कर से लिखा गया है। अब 1800 का वर्ग कीजिएगा प्यारे बच्चों, 1800 का वर्ग करेंगे तो 324
और 4 ठो 0 आ जाएंगे, और 1500 का वर्ग करेंगे तो 225 और 4 0 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो 4 5 9 और 2 2 4 और 3 2 5, तो 549 कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 549 और 4 ठो 0। ठीक, अब आप ये आ गए एसी का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करणी लग जाएगा 5 4 9, ये अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ 361 लगभग करके आएगा। हाँ सही, 300 अंडर रूट में 61 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 300 अंडर रूट में 61। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम सर जी इनको निकालेंगे कैसे, इनको हम निकालेंगे कैसे, तो प्यारे बच्चों आपको इनका वर्गमूल निकालना है बस, ये अर्थात दोनों हवाई जहाजों की जो बीच की दूरी है वो 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11, पूर्ण रूप से कंप्लीट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 12 का। तो गाइज आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा जो कि प्रश्न नंबर 12 है। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। भैया समझ लीजिए कि ये एक खंभा है जो कि 6 मीटर है और ये कोई खंभा है जो कि 11 मीटर है। बात समझिए जरा सा, मतलब दोनों खंभे की ऊंचाई सेम नहीं है, ये 11 मीटर हैं और ये आपके 6 मीटर हैं। चलिए बात यहां से आगे बढ़ाते हैं, और ये समतल भूमि पर खड़े हैं, चलिए खड़े हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। आगे क्या कर रहा है, यदि इनके निचले सिरों की बीच की दूरी 12 मीटर हो, मतलब इनके जो ये निचले सिरे हैं इनके बीच की दूरी भैया 12 मीटर है, चलिए मान लेते हैं कि 12 मीटर होगा। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जब निचले सिरे की दूरी 12 मीटर है तो भाई ऊपर सिरे का भी जो दूरी होने वाली है ये भी दूरी सेम टू सेम डिट्टो वाला होगा 12 मीटर, और यहाँ ई नाम दे दिए। चलिए तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक वाली दूरी आपको बतानी है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी एक्स मान लीजिएगा, और आगे अब हम लोग हल ही कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका जो सवाल है ना वो कह रहा है कि कोई दो ठो खंबे हैं, एक छोटा सा खंबा 6 मीटर, एक बड़ा सा खंबा 11 मीटर है, दोनों खंबों के जो निचले निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। अब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, परंतु यहां कह रहा ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो मान लेते हैं एक्स है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं भैया, एक्स है। चले अब निकाले, आइए हम लोग आसानी से निकालेंगे। अब एक्स ज्ञात करने के लिए मुझे ये वाली दूरी पता होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं इधर की दूरी 6 है, पूरी 11 है, इतना तो 6 हो जाएगा ना, क्योंकि छोटा वाला खंभा इतना है तो ये 6, तो 11 में से 6 माइनस कर दे तो बची हुई दूरी ये हो जाएगी 6 और 5, 6 और 5 के रूप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार फिर से, टोटल दूरी 11 मीटर है, 11 में से 6 माइनस कर दिए 5, मतलब ये इतनी दूरी 5 मीटर की है, तो डी ई की वैल्यू 5 आ जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं, यानी यहां लिख दे कि डी ई बराबर होगा, डी ई बराबर होगा डी सी माइनस ई सी। अब डी सी की वैल्यू 11 है और ई सी की वैल्यू कितनी है 6 है, बराबर 5 मीटर, तो डी ई की वैल्यू प्यारे बच्चों 5 मीटर प्राप्त कर लिया। अब आपको ज्ञात क्या करना, खंभे की दूरी, तो ऊपरी सिरों की बीच की दूरी, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या होगा x है, तो पाइथागोरस प्रमेय से x का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है भैया डी ई का वर्ग, और प्लस आधार, आधार कौन है यहां बी ई का वर्ग। चलिए वैल्यू रखते सबके, अब भैया डी ई की वैल्यू 5 है,
और बीई की वैल्यू कितनी है 12, इनका वर्ग करेंगे 25, इनका वर्ग करेंगे तो 144, जोड़ दिए 169, 169 ये एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर कर्णी लगा देते हैं 169, और ये कर्णी से बाहर आएगा तो 13, अर्थात उसका वर्गमूल 13 आता है प्यारे बच्चों। तो जो आपका आंसर मिला वो 13, यानी ऊपरी खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है 13 मीटर है। तो चाहो तो आप यहाँ लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा आंसर, क्या पूछा था कि खंभों के ना, तो खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है भैया 13 मीटर, दूरी कितनी है 13 मीटर है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12 जो कि कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइस प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, तो आप देख सकते हैं वो त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं CA और CB, CA और CB पर स्थित बिंदु क्रमशः D और E है। सिद्ध कीजिए कि AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर AB यानी बड़ी वाली भुजा और फिर DE यानी DE ये वाली भुजा। ये आप ऐसा समझिए कि दोनों जो डॉट डॉट वाली लाइनें हैं इन दोनों के वर्गों का योग, और जो बिन डॉट वाली हैं इन दोनों वर्गों के योग के बराबर आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। और मानिए एकदम मक्खन वाला सवाल है, एकदम कहीं नहीं जाना, ना समझ में आए तो बताइएगा। सबसे पहले हम आपको एक जुगाड़ बता देते हैं भैया, आप ऐसा कीजिएगा ना कि सबसे पहले जो लगातार लाइनें खींची गई हैं हम उनको हल करेंगे। त्रिभुज ए सी बी लेंगे, त्रिभुज ए सी बी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। अब पाइथागोरस प्रमेय तो जानते ही होंगे, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए बी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार। तो लंब कौन है भैया ए सी है, और आधार कौन है भैया बी सी का वर्ग, समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ आई। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज है डी ई सी, क्या दिखाई पड़ रहा है डी ई सी, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई सी में। अब डी ई सी में, डी ई सी में कर्ण कौन है प्यारे बच्चों, कर्ण आपका डी ई है, कर्ण आपका क्या है डी ई, तो कर्ण हो जाएगा डी ई का वर्ग बराबर लंब कौन है डी सी, लंब कौन है डी सी का वर्ग, और आधार कौन है ई सी का वर्ग। तो ये आ गए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, तो ये वाला पक्ष इधर जुड़ेगा, तो ए बी का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग बराबर इधर जोड़ दीजिए तो ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, समीकरण नंबर 3। क्या यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो जो प्रोसेस आप इसके लिए गए हो सेम टू सेम डिट्टो वाला प्रोसेस अब इन त्रिभुजों के लिए करेंगे। बस आइए अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इस बार त्रिभुज लेंगे डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज डीबीसी में तो कर्ण कौन है डीबी है, तो कर्ण है डीबी, तो डीबी का वर्ग कर दीजिए, या बीडी भी लिख सकते हैं इसे, आप इसे आप क्या लिख सकते हैं बीडी का वर्ग बराबर लंब कौन है भैया डीसी, और आधार कौन है बीसी,
डीसी का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, बीसी का वर्ग, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, अगला त्रिभुज लेंगे ए ई सी, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। अब ए ई सी में कर्ण कौन है, ए ई है, तो कर्ण ए ई का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है, ए सी, और आधार कौन है, ई सी, तो ए सी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, ई सी का वर्ग, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 5। अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ देते। आप लोग पूछते होंगे सर आप क्यों जोड़ देते, या आप कैसे जान जा रहे हैं कि इनको जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देखिए ना, ए का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, तो ए और बी डी प्लस कब आएंगे, जब जोड़ेंगे तब आई ना, इसीलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो समीकरण 4 और प्लस 5 दें, समीकरण 4 प्लस 5 को जोड़ देंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, बी डी का वर्ग आएगा प्लस क्या आ जाएगा, ए का वर्ग बराबर ये सब लिख लेंगे, तो ए सी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, समीकरण नंबर 6। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो समीकरण 6 और 3 सेम टू सेम ये वाला पक्ष इस पक्ष के मिल रहा होगा, मिला लीजिएगा आप लोग, बेफिक्र मिलाइए। तो लिखेंगे जब ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, और यही आपको प्रूफ भी करना है। तो समीकरण 3 व 6 से ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, ए बी का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग, तो ये तिसिद्धम हो गए आपके। लीजिए कितना मक्खन वाला सवाल हुआ, देख लीजिए कहीं हार्ड है, कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, और नहीं तो अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किए होगे, शेयर नहीं किए होगे, तो दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर कीजिए, जबरदस्त इस सेशन को शेयर कीजिए। तो गाइस बात करते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है, अर्थात ये एडी लंब है और बीसी पर डाला गया है, और ये इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि डीबी जो है वो सीडी सीडी के 3 गुना है, डीबी यानी ये वाला पक्ष इस पक्ष के 3 गुना है। तो सिद्ध कीजिए 2ab² = 2ac² + bc²। तो प्यारे बच्चों एक बात हम आपको बता दें कि ये सवाल एकदम हलवा, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन, केवल थोड़ी सी समय दीजिए, अभी देखिए कैसे आप इन सवाल खोल करते हैं। सबसे पहला काम है, हम देख पा रहे होंगे कि मुझे पहले ए बी का वर्ग चाहिए, और ए बी यहां पर पड़ा है, तो ए डी बी शुरुआत यहीं से करेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखिए ए बी का वर्ग, क्योंकि ए बी कर्ण है, ए बी का वर्ग मिल जा रहा, तो ए बी का वर्ग बराबर लंब, लंब कौन है प्यारे बच्चों, लंब आपका ए डी है, लंब कौन है आपका, ए डी का वर्ग, और आधार कौन है, बी डी, आधार कौन है, बी डी का वर्ग। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि मुझे इस एडी की वैल्यू चाहिए, एडी की वैल्यू हम इस वाले पक्ष में से निकाल सकते हैं, तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज एडीसी को हल करें, तो यहां पर हल कर दे रहे हैं हम, यहां पर थोड़ा सा समकोण त्रिभुज एडीसी में लंब का वर्ग, यानी यार इससे लगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो एसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग। अगर मुझे एडी चाहिए, इनको इधर कर देंगे तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये एसी का वर्ग माइनस डीसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग, मतलब जहां एडी आएगा, जहां एडी आएगी वहां हम ये वैल्यू रख सकते हैं।
तो ये आप समीकरण एक बनाना चाहे तो बना दीजिएगा। तो हम क्या समीकरण एक से इस एडी के स्थान पे ये वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है। तो रखेंगे ए बी का वर्ग बराबर एडी के स्थान पे रखेंगे। एक मिनट मेरे बच्चों, अभी थोड़ी देर और सब्र कर लो, अभी नहीं रखने की बारी है। देखिए आपको टू चाहिए, क्या चाहिए? टू। तो दो का गुणा करेंगे ना यहां पर, तो यहां दोनों पक्षों में दो से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर। अब जब दो से क्या कर देंगे, अब गुणा करेंगे, तो ये टू ए बी का वर्ग बराबर टू ए डी का वर्ग है, ठीक, ध्यान से समझिए, प्लस टू बी डी का वर्ग। चलिए बात करते हैं, टू बी डी का वर्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब हम करते क्या है, यहां से कुछ नहीं करना, इस वाले पक्ष को कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये वाला पक्ष सेम टू सेम आपका वही है। अब इसी में कुछ करना, अब एडी के स्थान पे हम रख सकते हैं एसी माइनस डीसी। तो टू यहां रखेंगे एसी का वर्ग माइनस डीसी का वर्ग, एसी माइनस किसका? डीसी। तो देखिए एसी का वर्ग माइनस किसका वर्ग? डीसी का वर्ग, और ये बंद कर दीजिए, ठीक। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? बीडी, बीडी के स्थान पे थ्री सीडी रख सकते हैं। तो दो यहां थ्री सीडी का वर्ग, क्या इतनी दिक्कत है किसी को? कहीं भी कोई समस्या? भैया बीडी के स्थान पे थ्री सीडी दिया है। अब आइए हम हल करते हैं, अगर हम दो का गुणा करें इसमें, तो दो एसी का वर्ग होगा माइनस टू डीसी का वर्ग होगा, प्लस तीन त्रिका नौ, नौ दूनी अठारह, तो अठारह डीसी का वर्ग। अब आप देखिए हल करते हैं, ये 2 ac का वर्ग आ गया, देखिए ये मिल रहा है 2 ac का वर्ग। अब 18 में से 2 घटा दीजिए, 18 में से 2 घटा देंगे तो प्लस 16 dc का वर्ग, क्या? अभी अब देखिए इक्वल टू आ गया 2 ab का वर्ग। केवल आपका एक चीज नहीं मिला कर बच्चों, एक पक्ष, क्या 16 को हम ये लिख सकते हैं? देखिए 2 ac का वर्ग तो है, इसे हम चार डीसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, चार चौके 16। चलिए अभी तक तो नहीं होनी चाहिए दिक्कतें। अब चार डीसी को क्या हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? ये देखिए प्यारे बच्चों, डीसी डीसी प्लस तीन डीसी, डीसी प्लस तीन डीसी का होल स्क्वायर, ये समझिए, डीसी प्लस तीन डीसी, डीसी और तीन एक चार, तीन एक चार, चार डीसी, तीन एक चार डीसी, ठीक। अब आप देखिए यहां जहां तीन डीसी है, वहां तीन डीसी के स्थान पर हम डीबी रख सकते हैं, तो रखेंगे, चूंकि यहां लगा देंगे कि चूंकि तीन डीसी बराबर आपका क्या है? बीडी, क्या है? बीडी या डीबी, जो भी है एक ही हुआ, तो ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो बताइए क्या यहां हम क्या रख सकते हैं? डीबी रख सकते हैं, यहां हम क्या रख सकते हैं? डीबी। तो लिखेंगे बराबर टू एसी का वर्ग, इतने के स्थान पे क्या रख देंगे? इतने के स्थान पे, इतने के यहां डीसी आ गया, और यहां क्या रख देंगे? डीबी। क्या अभी तक कोई दिक्कत? नहीं होना चाहिए ना, अब थोड़ा सा बचा, आ जाइए इधर की तरफ, 2ab का वर्ग बराबर क्या बचा है? 2ac का वर्ग प्लस dc प्लस db, dc प्लस db जो है cb के बराबर होगा, देखिए dc प्लस db bc के बराबर या cb के बराबर। तो क्या हम इतने टोटल के स्थान पे bc रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, तो भाई bc का स्क्वायर, और शायद अगर हम मिला रहे होंगे तो यही तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक। ये सवाल प्रश्न नंबर 14 भी आपका कंप्लीट होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू कर रहे हैं। गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का, क्या कह रहा है? किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी जो है, जो बीडी है वो बीसी का 1/3 गुना है, मतलब ये इसका इसके तीन भाग का एक हिस्सा है। तो सिद्ध कीजिए कि 9 एडी स्क्वायर बराबर 7 एबी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को देखकर जरा सा भी नहीं डरना है,
क्योंकि आप लोग ज्वाइन कर चुके हो टॉप 10 क्लासेस, तो भाई किस बात की डर है, आराम से रिलैक्स होके भी देखिए आप इस सवाल खोल करोगे। तो भैया मैंने रचना किया कि एक लंब खींचा है जो कि बीसी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और वो जो हमने लंब खींचा उसका नाम ए ही है, और इस प्रकार खींचे हैं कि इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर है, बीई बराबर सी, और ये बीसी जो है वो बीसी का क्या है, आधा है, इतनी दूरी बीसी का क्या है, आधा, तो उसी को आधा बीसी लिख दिए। अब भाई ये समबाहु त्रिभुज है तो बीसी ए बी के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं बीई हाफ ए बी के भी बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर एक दे देते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं भैया, कौन से त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज ए ई बी में। समकोण त्रिभुज ए ई बी में चलिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, ए बी, तो कर्ण ए बी का वर्ग बराबर लंब है ए ई, और आधार कौन है, बी ई का वर्ग। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? बिल्कुल। अगर हम बी ई के स्थान पे एक बटे दो ए बी रख दें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ए बी का वर्ग बराबर इधर आ जाएगा ए ई का वर्ग। चलिए बी ई के स्थान पे एक बटे दो ए बी रख देते हैं, इधर आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ये आ जाएगा ए ई का वर्ग प्लस एक बटे दो का वर्ग करेंगे तो एक बटे चार ए बी का स्क्वायर। ये पक्ष और ये पक्ष मिल रहे हैं तो प्लस वाले को इधर कर दीजिए, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए आइए हम हल करते हैं इनको, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये ए बी का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, एक बटे चार, एक बटे चार ए बी का वर्ग बराबर इधर क्या बचा है, ए ई का वर्ग। अब देखिए चार एक के चार, चार में से एक घटा देंगे तीन, मतलब तीन बटे चार ए बी स्क्वायर आएगा बराबर ए ई स्क्वायर, मतलब समीकरण नंबर दो, ए ई स्क्वायर की वैल्यू, ए ई स्क्वायर की वैल्यू तीन बटे चार ए बी स्क्वायर आ गया है। क्या यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना? अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। अब यहां पर लंब कौन है, ए ई है, कौन है लंब, कौन है ए ई, तो ए ई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है ए डी है, ए डी का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, लंब है हाँ कर्ण का वर्ग, आधार कौन है डी ई, तो ए डी माइनस डी ई का वर्ग, ये आ गए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? ए ई का वर्ग बराबर, ए ई का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग। तो प्यारे बच्चों इसको आप मान लेते हैं सभी करती, ठीक। अब हमको कुछ चीजें दी गई हैं, बी डी इक्वल टू हाफ एक बटे तीन बी सी दिया, चूंकि बी डी इक्वल टू एक बटे तीन बी सी। अब भैया बी सी तो ए बी के भी बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम बी सी को ए बी के बराबर कर देंगे, चूंकि लिखेंगे बी सी बराबर ए बी, तो यहां पर मिल जाएगा बी डी इक्वल टू एक बटे तीन ए बी, समीकरण नंबर चार। अब समीकरण एक और चार को घटा देते हैं, समीकरण एक और चार को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो चलिए घटाएं। तो समीकरण एक माइनस समीकरण चार से, तो समीकरण एक क्या है, बी ई, ठीक, तो बी ई माइनस समीकरण चार क्या है, बी डी बराबर, समीकरण एक की वैल्यू इधर है एक बटे दो, यहां एक बटे दो ए बी देख रहे हैं, एक बटे दो ए बी, और माइनस इसकी वैल्यू है एक बटे तीन ए बी। तो आप इनको हल करेंगे तो तीन दो का लसापा लेंगे छह आ जाएगा, दो तिहाई छह यानी तीन ए बी माइनस तीन दूनी छह तो दो ए बी आ जाएगा, तो तीन में से दो घटा देंगे तो एक आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है एक बटे छह ए बी आएगा इसको हल करने पर, एक बटे छह ए बी। अब बी ई में से बी डी,
बीई में से बी डी घटा देंगे, बीई में से बी डी घटा देंगे तो डीई बचेगा, तो भैया ये आ जाएगा डीई के बराबर। तो समीकरण नंबर 5, बीई बराबर 1/6 AB के बराबर होगा। तो अब हम मदद लेंगे किसकी, अब हम मदद लेंगे समीकरण 3 और समीकरण 3 की और समीकरण 2 की। देख पा रहे हैं आप लोग, समीकरण 3 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 2 और 3 से इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट भाग, वो सेकंड भाग, ये थर्ड भाग, अभी इधर हम पोर्शन हल कर रहे हैं। तो भैया समीकरण 2 और 3 का एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, जरा से देखिए, ये वाले पक्ष और ये वाले पक्ष बराबर होंगे, तो रख रहे हैं, क्या रखेंगे, एडी एडी का क्या है, समीकरण 3 देख रहे हैं ना, एडी का वर्ग माइनस डीई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 AB का वर्ग। चलिए अब आप देखिए, DE की वैल्यू आपने रखा है यहां पर 1/6 AB, ये आ जाएगा AD का वर्ग बराबर, यहां आ जाएगा माइनस DE के स्थान पे 1/6 AB का वर्ग हो जाएगा। तो यहां 1/6 AB का वर्ग बराबर इधर 3/4 AB है, ठीक है, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम 1/6 का वर्ग करेंगे तो 1/36 आ जाएगा। तो AD का वर्ग माइनस 1/36 AB का वर्ग बराबर इधर 3/4 AB का वर्ग। ये माइनस वाला अगर उधर जाएगा तो प्लस होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये माइनस वाला पक्ष उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 3/4 AB क्या प्लस 1/36 AB क्या। अब 3604 का लसा पढ़ेंगे तो 36 ही आएगा, 4 9 36 तो 9 3 27, 27 AB का वर्ग आएगा प्लस 36 1 36 तो ये आ जाएगा 1, यहाँ AB का वर्ग आ जाएगा, 27 1 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वहां आ जाएगा देखिए 27 1 28, यहाँ D था ना, यहाँ यहाँ देखिए ऊपर D था, अब 27 1 28 AB का वर्ग बराबर आ जाएगा 36, ठीक। अब इधर आ गया AD का वर्ग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेचारों बच्चों, तो 36 AD का वर्ग बराबर 28 AB का वर्ग। क्या हम इनको भाग दे सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए क्या हम कटा सकते हैं इनको प्यारे बच्चों, तो देखिए 4 7 28, 4 9 36, तो 9 AD का वर्ग, 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग। तो ये प्यारे बच्चों आपका थर्ड पोर्शन में ये सिद्ध करके आ गया। तो देखिए इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते। तो गाइस बात करते हैं 16वें प्रश्न का, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग, उसकी एक भुजा का वर्ग, कोई भी एक भुजा लेंगे तो दोनों तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, तो उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के, उसके एक शीर्ष लंब मतलब ये, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यानी आप सबसे पहले रचना लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे कि एडी एक हमने लंब खींचा है, रचना में एक चीज हम लोग लिख लेंगे कि एडी एक लंब खींचा, एडी एक क्या खींचा, लंब खींचा, या एडी एक शीर्ष लंब खींचा, एडी एक शीर्ष लंब खींचा, ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। एडी एक शीर्ष लंब खींचा, माना माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 2A है, माना समबाहु
त्रिभुज की भुजाएं टू, जब ये टू टू ए है तो ये लंब खींचा तो आधे आधे का बढ़ गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। तो आपको जो सिद्ध करना है वो चीजें क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग का 3 गुना यानी 3 गुना बराबर उसके एक शीर्ष लंब यानी ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग के 4 गुना, यही आपको सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आएगा, सबसे पहले आप ए डी बी समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है, ए डी का वर्ग प्लस आधार कौन है आपका, बी डी, आधार कौन है, बी डी का वर्ग। चलिए तो प्यारे बच्चों करते क्या है, ए डी को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, रहने दीजिए ए डी को, परंतु बी डी को हम लिख सकते हैं ए, बी डी को लिख सकते हैं ए, क्या लिखा जा सकता है बी डी को, ए बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग, क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए, या हम कह दें, या हम यहां क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो बी डी को हम क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए, ए रख सकते हैं और ए बी को रख सकते हैं 2a, तो वर्ग करते हैं 2a का वर्ग करेंगे तो 4a वर्ग आ जाएगा, यहां आ जाएगा ए डी का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ये प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए का वर्ग होगा बराबर इधर ए डी का वर्ग, 4 में से 1 हटा देंगे तो 3a² बराबर आ जाएगा ए डी का वर्ग। क्या कोई दिक्कत यहां तक, नहीं होना चाहिए। अब जो ये ए है वो ए बी का आधा है या बी सी का आधा है, ए बी सी का आधा है, यहां लिखेंगे, देखिए चूंकि ए 1/2 BC है, देखिए BC का आधा, BC का आधा A है, और ये भी जानते हैं क्योंकि BC जो है वो AB के बराबर है तो हम यहां AB रख सकते हैं, अर्थात A बराबर 1/2 AB रखा जा सकता है। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा, A बराबर हम 1/2 AB रख सकते हैं, तो 3 गुणे यहां 1/2 AB, 1/2 AB का वर्ग कर देंगे, कीजिए बराबर ये आ गया ए डी का वर्ग। तो यहां पर करेंगे तो 1 3 1 का वर्ग 1 ही आएगा, ए बी का वर्ग ए बी वर्ग होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 बराबर ए डी का वर्ग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो 3 AB का वर्ग बराबर आ जाएगा 4 AD का वर्ग। इस प्रकार आपका ये जो 16वां प्रश्न था जो आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा था वो चीजें आपने प्राप्त कर लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इस अध्याय की, इस प्रश्नावली की लास्ट क्वेश्चन की जो कि ऑप्शनल है, और वो जो सवाल है प्यारे बच्चों आपने जैसे पहला सवाल लगाया है उसी के जैसा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों 17वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये ए बी सी कोई एक त्रिभुज है और जिसमें ए बी इक्वल टू 6√3 है और ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, कोण बी, यहां कोण बी बताना है कि क्या है प्यारे बच्चों। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यदि ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करती हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण बी यहां पर समकोण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग, तो ये ए बी हो जाएगा और ये बी सी हो जाएगा। तो ए सी का वर्ग है 12 और ए बी है 6√3 और बी सी है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा और वहां 6 का 36, तो ये जोड़ेंगे तो 3 6 18, 3 3 9 1 10, ये 36, तो जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 144 और ये 12 का वर्ग करेंगे 144, तो दोनों पक्ष बराबर हैं अतः लिख देंगे कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, अर्थात कोण बी बराबर 90 अंश। तो जो भी ऑप्शन मिल रहा हो
आप उसको वहां पर लगा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इन्हीं इसी सवाल के साथ पूरी प्रश्नावली अध्याय 6 पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों यदि पूरे प्रश्नावली के दौरान कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट या समस्या रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो की मुलाकात आपको कुछ चैप्टर के बाद होने वाली प्यारे बच्चों, क्योंकि जो 7वां अध्याय है वो हमारे इस चैनल के सीईओ यानी सौरभ पाल जो कि 7वां अध्याय पढ़ाएंगे उनकी एक फेवरेट चैप्टर है। तो आप लोग जो है जितना प्यार जितना सपोर्ट दिखाते थे इससे पहले आप उस वीडियो पर भी दिखाइएगा। और आई होप कि आपको उनका जो लेक्चर है हमसे ज्यादा और हमसे अच्छा भी समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद जय भारत।